सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले। सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले। आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी के लिए राम सिंह यादव जी के बुक से हम प्रतिशत चैप्टर को शुरू किए हुए हैं और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज यह वीडियो प्रतिशत का तीसरी होगी। ठीक है दोस्तों, यदि आप पार्ट वन टू नहीं देखे हैं तो पार्ट वन टू थ्री करके देखिए, पूरा समझ में आएगा और एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रतिशत से। ठीक है, तो दोस्तों आज जो सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व होगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, तो आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे। चलिए ध्यान दीजिए, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 75 अंकों में से 60 अंक प्राप्त करता है, उसके प्रतिशत, उसके प्राप्तकों का प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन कहने का मतलब है कि एक एग्जाम में 75 नंबर में से कोई विद्यार्थी 60 नंबर प्राप्त किया है तो उसका प्रतिशत पूछ दिया है आपसे। ठीक है, ध्यान दीजिए, टोटल नंबर कितना है 75, जिसमें से जिसका मान पूछता है ना उसको ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो पूछा है 60 अंक ने प्राप्त किया है तो 60 ऊपर लिख दिए, और टोटल नीचे लिखाता है तो 75 अंक है टोटल तो 75 नीचे लिख देंगे। अब प्रतिशत में जाने के लिए 100% से गुना कर देंगे, बस हो गया 15 चौके 60, अब 15 5 75, अब 5 से कटेगा 20 बार में, अब 20 चौके 80 प्रतिशत, 80% आंसर हुआ। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, अगर एक संख्या का 70% 210 होता है तो वह संख्या कितनी है। सुन लीजिए, किसी संख्या का 70% 210 होता है तो संख्या कितनी है। ध्यान दीजिए, संख्या दोस्तों पता नहीं ना है तो आप मान लीजिए कि वह संख्या x है, अब x का जो मान होगा वही आंसर होगा, तो x का 70% तो 70, अब प्रतिशत के मतलब बट्टा में 100, x का 70% 210 है तो बराबर लिख दीजिए 210। ठीक है, अब यहां से काट कूट कर दीजिए, देखिए ऊपर ऊपर करता है बराबर में। ठीक है, देखिए 70 से कट जाएगा 3 बार में, 70 तय होता है 210, एक्स 100 भाग में है बराबर की उधर जाएगा तो गुना में, 100 में 3 से गुना हो जाएगा तो 300, वह संख्या क्या है एक्स, एक्स का वैल्यू है 300, यानी आपका आंसर हो गया 300। दोस्तों यदि आप इसको ट्रिक से बनाना चाहते हैं एक बार में ही तो कैसे बनाइएगा, जो वैल्यू दिया रहेगा वो उस वैल्यू को लिख लीजिएगा। ठीक है, जो वैल्यू दिया रहेगा उसको लिख लीजिएगा, आज जो प्रतिशत दिया रहेगा उसको बट्टा में लिख दीजिएगा, समझ रहे हैं, और 100 से गुना कर दीजिएगा वही संख्या आएगा जो संख्या पूछ रहा है। ठीक है, 70 तियाई और 100 तियाई होता है 300, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, संख्या पूछा है, संख्या आ जाएगा 300। जो आपका ऑप्शन नंबर कितना है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी संख्या का 70% 49 है तो वह संख्या क्या है। बस सेम क्वेश्चन है, किसी संख्या, तो संख्या कहने से पता नहीं चल रहा है तो मान लीजिए x, x का 70% तो 70% का मतलब बट्टा में 100, 49 है तो बराबर लिख दीजिए 49। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, 7 से कट जाएगा 7 7 49, एक्स बट्टा में 10 है उधर जाएगा तो गुना में, यानी 10 7 70, यही आपका आंसर हो जाएगा 70। ठीक है, अभी ट्रिक क्या बताए हैं, जो संख्या देगा उसको लिख लेना है और जो प्रतिशत देगा उसको बट्टा में लिखना है और 100 से गुना कर देना है, संख्या पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए 1 0 से 1 0, 7 से कटेगा 7 बार में और 10 7 70 हो गया। ठीक है,
आपका आंसर हो जाएगा 70, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी संख्या का 20% बढ़ाने पर वह 300 हो जाता है, हो जाएगी, मतलब किस संख्या को 20% बढ़ा देने पर 300 हो जाएगी। सुनिए, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है पहले से, ठीक है, तब 20% बढ़ा दीजिएगा तो 120% ना हो जाएगा। तो चूंकि बढ़ाने पर हो गया है 120%, आज जबकि हो जा रहा है 300, तो बराबर 300। तो पूछा है किस संख्या, तो संख्या तो होता है 100%, तो बस इसलिए 100% का मान निकाल दीजिए, 300 अब बट्टा में 120 कर दिए, 100 का मान निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए। अब काटकूट यहां से कर लीजिए, देखिए यहां से कैसे काटते हैं, 10 से 10 कट जाएगा और 6 से कर जाएगा 6 × 2 = 12, 6 से कर जाएगा 6 × 5 = 30 और 10, और फिर 2 से कर जाएगा कितना बार में, 25 बार में, यानी कि 25 × 10 यानी कि 250 हुआ, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 250 जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। दोस्तों आप चाहें तो इसको एक्स मान के ही बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, इस टाइप के क्वेश्चन इसी तरह से बनाइएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 7/14 को प्रतिशत रूप में बदले, सुन लीजिए 7/14 को प्रतिशत में बदलना है। एक बात यहां याद रखिएगा कि किसी भी भिन्न को 100% से गुना कर देने पर वह प्रतिशत में चेंज होता है, किसी भी भिन्न को, भिन्न दोस्तों बट्टा वाला वैल्यू को भिन्न बोलते हैं, ठीक है, तो किसी भी भिन्न को 100% से गुना कर देने के बाद वह प्रतिशत में चेंज होता है। तो यह भिन्न है, इसको 100% से गुना कर दीजिए, भिन्न पर भिन्न में बदल जाएगा, सॉरी प्रतिशत में बदल जाएगा, 7 × 2 = 14 और 2 से कटेगा 50 बार में, यानी कि 50% हो गया आपका आंसर, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक वस्तु को 80 रुपये में खरीद कर 68 रुपये में बेच दिया जाए तो बट्टा प्रतिशत क्या होगा। इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है भाई साहब कि कोई वस्तु हमने 80 रुपये में खरीद के लाया है, 68 रुपये में हमने बेच दिया, तो कितना प्रतिशत घाटा लग गया, या कितना प्रतिशत छूट दे दिया, या कितना प्रतिशत बट्टा दे दिया, यही बात है क्वेश्चन करने का मतलब, ठीक है। देखिए खरीद के लाया है 80 रुपया, यहाँ लिख देते हैं, इसका मतलब है कि क्रय मूल्य हो गया 80 रुपया, खरीदने का चर्चा कर दिया तो हो गया क्रय मूल्य, और बेचने पर यानी कि विक्रय मूल्य, और बेच दिया है कितना में, 68 रुपया में, आप ही बता दीजिए यहाँ हानि ना हो गया, 80 रुपया का सामान 68 रुपये में बेच दिए तो भैया हानि हो गया, कितना के क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दीजिए, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 6 गया 1, आपसे पूछा है प्रतिशत बट्टा बोलिए या प्रतिशत हानि बोलिए, कोई बात नहीं दोनों बात समान है, प्रतिशत बट्टे लिखना दीजिए यहाँ से, बट्टा मतलब छूट, तो 12 का हानि हुआ है, क्रय मूल्य कितना है 80, आप प्रतिशत के लिए 100% से गुना। अब देखिए 20 × 4 = 80, 20 × 5 = 100, 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15% बट्टा दिया है, ठीक है, या हानि हुआ, वही बात है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि x का 7% 35 है तो x का मान क्या होगा। x का, इससे पहले वाले क्वेश्चन में किसी संख्या का तो हम लोग अपना से x मानते थे, और यहां उस क्वेश्चन ने कह दिया है कि x का के मतलब होता है गुना 7%, तो 7 और प्रतिशत के लिए बट्टा में 100, 35 है तो बराबर 35 लिख दीजिए आप भी, ठीक है, तो आप 35, हाँ तो यहाँ से काट कर लीजिए, 7 × 5 = 35 बराबर में दोस्तों ऊपर ऊपर करता है, नीचे नीचे करता है, ठीक है, और तिरछा चीज गुना होता है, x इधर 100 भाग में है बराबर कुछ जाएगा तो गुना में, तो 5 में 100 से गुना होगा तो 500, यानी x का वैल्यू कितना हुआ 500, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन है कि एक टीवी का वर्तमान मूल्य 18,000 रुपये है तथा 5% प्रति वर्ष से मूल्य घटता है,
तो 3 वर्ष बाद टीवी का मूल्य क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि एक टीवी का वर्तमान मूल्य मतलब कि अभी का दाम उसका 18,000 रुपया है, प्रतिवर्ष मतलब कि एक साल यदि टीवी रह जाएगा तो 5% का घाटा होगा, मतलब अवमूल्य मतलब घटता है, 5% दाम घटता है, तो 3% दाम, 3% बाद, 3 वर्ष बाद दाम कितना हो जाएगा, यही पूछा है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ ऐसा क्वेश्चन पीछे पढ़ चुके हैं, शायद वीडियो के पार्ट 2 में पढ़े हुए हैं। देखिए यहाँ वर्तमान मूल्य दिया हुआ है, वर्तमान दाम या मूल्य कहिए, वर्तमान दाम है 18,000 रुपया। ये दोस्तों क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये ना सोचिए कि 3 लाइन में बना रहे, 1 लाइन में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आप 5% दर से घटता है दाम जो है ना, घटता है कितना, 5% के दर से, ठीक है। तो पूछा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पूछा है, 3 वर्ष बाद उस टीवी का दाम कितना होगा। तो क्या कीजिएगा, वर्तमान मूल्य को लिख लेना है और प्रतिशत का होल वैल्यू निकालना है। तो 5% का मान होता है 5, अब 5% के लिए बट्टा में 100, 5 से 1 बार में 5 से 20 बार में, यानी 1/20। अब देखिए दोस्तों यहाँ घटता है तो घटा के लिखिएगा, 20 में से 1 घटाइएगा, 20 में से 1 जाएगा तो 19, नीचा ज्यों कहते हो। अब देखिए 3 वर्ष बाद, तब बाद तो आगे ना होता है, पहले ना पीछे होता है, 3 वर्ष बाद पूछा है तो इसका 3 बार गुना, होल वैल्यू का सीधा गुना, जोड़ घटाव करने के बाद इसको होल वैल्यू बोलिएगा, 19/20 होल वैल्यू हो गया, तो होल वैल्यू का सीधा गुना 19/20 कितना बार, जितना साल के लिए रहेगा, 19/20 गुने 19/20 और गुने 19/20, ठीक है, हो गया। अब पीछे पूछता ना 3 साल पहले कितना दाम था, तो बस इसका उल्टा गुना कर देते, 19/20 है तो 20/19 से गुना कर देते, पीछे जाने के लिए उल्टा गुना, आगे जाने के लिए सीधा गुना। अब यहाँ से काट कूट कर लीजिए, आपका आंसर चलाएगा। अब ध्यान दीजिए 1 0 2 0 3 0 से 3 0 कट गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब गुना कर लीजिए यहाँ, और 2 से कटेगा फिर 9 बार में, 19 गुने 19 गुने 19, ठीक है। तो आप गुना यहाँ कर लीजिए, नहीं तो 19 के क्यू आपको पता होगा तो लिख लीजिएगा। देखिए 9 गुना 19 और फिर गुना 19 के स्क्वायर कितना होता है, 361, अब बट्टा में क्या है, 2 दुना 4 है, फिर गुना कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, 19 1 कम 19 19 6 114 आ 115 के 5 हासिल 11 19 57 आ 11 68 होता है 68, और फिर यह गुना 9 अभी है 9 अब बट्टा में 4। अब ध्यान दीजिए यहाँ, इसके बाद यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो 9 से गुना कीजिएगा, 9 9 81 9 5 45 आ 8 53 53 के 3 हासिल 5 9 8 72 5 77 9 6 54 6 60 1 61 अब बट्टा में 4 4 से भाग दे दीजिए, 4 से भाग दीजिएगा तो 4 1 कम 4 2 2 पर 1 21 4 5 20 फिर 1 1 पर 5 1 पर 17 4 4 16 1 1 पर 3 13 4 3 12 4 3 12 1 4 2 8 3 3 बचा 3 पर 0.5 देंगे तो 4 7 28 और फिर 4 5 20 यानी कि 15,432.75 रुपया हुआ, ठीक है। जो आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए कितना ऑप्शन है, तो 15,432.75 रुपया दोस्तों ऑप्शन में जो दिया हुआ है 15,432 दिया हुआ है, 75.75 नहीं दिया है, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में लिख देना चाहिए कि लगभग बताइए, तो लगभग में यहाँ आंसर देते 15,432, लेकिन लगभग नहीं लिखा है और फिर भी ऑप्शन दिया हुआ है 15,432, ठीक है, लेकिन आंसर होगा 15,432.75। लेकिन कोई बात नहीं है, एग्जाम में लगभग लगा रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है, तो लगभग लगा रहेगा ना, तो तब दीजिएगा आंसर 15,432 और दशमलव वाला रहेगा, ये ऑप्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या कहता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 40% 20 हो तो उस संख्या का 25% क्या होगा, ठीक है। देखिए किसी संख्या का, तो दोस्तों पहले संख्या पता कर लीजिए, संख्या पता कर लीजिए, अभी कंसेप्ट से बताएं, अभी डायरेक्ट ट्रिक से बना दे रहे हैं, ठीक है, ट्रिक से बता दे रहे हैं। देखिए जो संख्या दिया रहेगा, संख्या निकालने के लिए ट्रिक है, केवल संख्या निकालने के लिए, ठीक है। तो बोला है किसी संख्या का 40% 20 है, तो जो संख्या 20 दिया रहेगा उसको लिख लीजिएगा, आयो प्रतिशत दिया रहेगा उसको बट्टा में लिख लीजिएगा, और 100 से गुना कर दीजिएगा, संख्या निकल जाएगा, ठीक है,
20 दूनी 40 और दूसरे कटेगा 50 बार में, यानी कि संख्या निकल के चलाया 50। लेकिन आपसे संख्या नहीं पूछा है, आपसे पूछा है उस संख्या का 25% क्या होगा, तो उस संख्या क्या है 50, संख्या क्या है 50, 50 का के मतलब गुना 25%, तो 25 और प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, 50 से कर जाएगा दो बार में, दूसरे कर जाएगा 12.5 बार में, कितना आपका आंसर हो गया, आपका आंसर हो गया 12.5। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी स्कूल में 55% बच्चे लड़के तथा कुल 675 लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या क्या होगी। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन दो क्वेश्चन पढ़ चुके हैं पीछे, यदि हमारा वीडियो आप प्रत्येक वीडियो को देखते हैं तो आपको पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। ध्यान दीजिए, किसी भी स्कूल में लड़का और लड़की ही विद्यार्थी होती है और होता है, ठीक है, तो टोटल लड़का लड़की विद्यार्थी 100% होता है, तो लड़का लड़की मिलाकर टोटल विद्यार्थी 100% होता है किसी भी स्कूल में, ठीक है, तो 100% में 55% तो बॉय है, इसका मतलब है कि बाकी जो बचा वो तो लड़की ही होगी, तो कितना बचा 45%, तो 45% भैया लड़की होगी, ठीक है, ध्यान दीजिए, तो चूंकि लड़की तो है 45%, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि लड़की है 675, लड़की है 675, तो दोनों लड़कियों की संख्या है, इसलिए बराबर आपसे पूछा है लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या भैया लड़का की संख्या कितना है 55% न है, तो बस 55% का मान आपसे पूछ लिया है, ठीक है, तो देखिए 675 अब बटा 45 कर दिए, अब 55% का मान निकलना है तो 55 से गुना कर दीजिए, हो गया आप काट कूट कर दीजिए, आपका आंसर तैयारी है। देखिए काटिए, 5 से कटेगा 9 बार में, 5 से कटेगा 11 बार में, फिर 9 से कटेगा 9 से 63, 9 5 45, यानी कि 75 गुना 11 गुना कीजिएगा तो 5 8 7 5 12 7 5 और 8 5 कितना हुआ 8, 11 गुना कर लीजिए, 11 5 55, 11 7 77, 11 5 55 के 5 5, 11 7 77, 77 और 5 कितना होता है 83, तो 83 लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया 835, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना 835 नहीं होगा 825 होगा, 11 5 55, 11 7 77 और 5 82 ही होता है, 825 आपका आंसर हुआ, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, यदि आपको अच्छा नहीं लगा हो तो आपके हाथ में डिसलाइक का बटन भी सामने बगल में ही रहता है, ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।